गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के विभिन्न आयाम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विकास के मोस्टली जो है आयाम वो कौन कौन से होते हैं, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अपन को पता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास देखने को मिलता है। वहीं पे भाषात्मक जो विकास होता है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हम स्पेशल बात करेंगे केवल एडोलसेंस की। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आपको पीजीटी के नोट्स ही देखने को मिलेंगे, पीआरटी और टीजीटी के नोट्स यहाँ पे नहीं हैं। वहीं पे मैं बात करूँ, आज हम केवल और केवल एडोलसेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडोलसेंस के विभिन्न आयाम कौन से होते हैं, या बात करें जो डायमेंशंस हैं एडोलसेंस के वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इसमें आते हैं एक तो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट कौन सी होती है, फिर मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरी है इमोशनल डेवलपमेंट, चौथी है मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, और पाँचवीं है सोशल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये किस प्रकार के चेंजेज ह्यूमन में जो है या एडोलसेंस एज में देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि ग्रोथ क्या होती है। तो दोस्तों, हमने बात करी थी कि ग्रोथ जो होती है, जैसे किसी आदमी का वेट बढ़ रहा है, किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी की हाइट बाहर या चौड़ापन, लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो उसको अपन बोल देते हैं वृद्धि, उसको बोल देते हैं वृद्धि या फिर बोल देते हैं ग्रोथ। ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद में अपन ने पढ़ी थी कि मेच्योरिटी क्या होती है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक, इन चीज़ों में मात्रात्मक वृद्धि ही परिपक्वता दिखाती है। यानी कि आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, कई चीज़ों को सोल्व कर पा रहा है तो आप में परिपक्वता है, आपके हाथ पैर जो है अच्छे से तरीके से काम कर रहे हैं तो अपने आप में मेच्योरिटी को दिखाता है। वहीं पर आपके इमोशन जो है आपके कंट्रोल में है तो आपकी मेच्योरिटी दिखाता है। वहीं पर आपकी जो नैतिक और कैरेक्टर जो आपका है उसमें मात्रात्मक जो वृद्धि है वो परिपक्वता को दिखाती है। और किस प्रकार से आप जो है सोशल बॉन्डिंग रखते हो वो अपने आप में मैच्योरिटी को दिखाता है। तो यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा सामाजिक मात्रात्मक वृद्धि ही अपने आप में किसको दिखाता है, परिपक्वता को दिखाता है। वहीं पे ये हमारी हमने बात करी थी, ये हमारा विकास है, इसी के अंदर परिपक्वता और डेवलप ग्रोथ देखने को मिलती हैं। तो ग्रोथ और मेच्योरिटी जो हैं वो डेवलपमेंट का ही अपने आप में पार्ट हैं। आज हम डेवलपमेंट के जो डायमेंशंस हैं जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं एडोलसेंस के बारे में, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं शारीरिक और गांवी विकास क्या होता है, यानी कि इंसान के शरीर के अंदर होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को अपन शारीरिक और गामक विकास में शामिल करते हैं। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इनको इसको बोला जाता है, यानी कि व्यक्ति के शरीर के अंदर बाह्य और आंतरिक अवयवों का विकास होता है तो उसी को अपन किस में शामिल करते हैं, गामक में या मोटर डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। जैसे आदमी के हाथ पैर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या हो गया, वो उसका मोटर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहीं पे यदि उसकी बुद्धि, अब सेकंड कौन सा है, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, यानी कि मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी इंसान की कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, वहीं पर एकाग्रता, कंसंट्रेशन या क्रिएटिविटी, सेंसेशन या परसेप्शन, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें यदि इंसान में बढ़ जाती हैं तो उसका जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन चीज़ों में जो है किस प्रकार का विकास देखने को मिलता है, वही मानसिक या संज्ञानात्मक विकास है। सीधी सी बात यह है कि यदि आप पे आपके दिमाग में वेरियस टाइप के चेंजेस होते हैं या डेवलपमेंट क्रिएटिविटी आती है या अच्छी आप सोच सकते हो, या हम बात करें आपके माइंड में, या आप एक कंसंट्रेट कर पाते हो चीज़ों को, तो वो अपने आप में आपका मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये होता है संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशन से संबंधित हमारे जो भाव होते हैं या हमारे जो इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं उनकी उत्पत्ति और विकास इन संवेगों के आधार पे इसका विकास इसमें किया जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है, इमोशंस से संबंधित जो डेवलपमेंट है वो संवेगात्मक विकास में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नैतिक या चारित्रिक विकास, यानी कि किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसकी नहीं करनी, या सोसाइटी में किस प्रकार से खुद को सर्वाइव करवाना है, वो अपने आप में किसको दिखाता है, नैतिक और चारित्रिक विकास को दिखाता है। इसके अंतर्गत नैतिक भावनाओं, मूल्यों, चरित्र संबंधी विशेषताओं का विकास सम्मिलित है। जैसे हम बात करें
समाज के अंदर वेरियस टाइप के जो है आदमी रहते हैं, किसी के लिए कोई काम अच्छा है, किसी के लिए वही काम जो है वो बुरा होता है। तो अपने आप में उसके नैतिक जो है विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है, या उसका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो किस प्रकार का है, उसमें अपन चारित्रिक विकास में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। बच्चा प्रारंभ में एक सामाजिक प्राणी होता है, यानी कि बच्चा जो है किसी चीज़ को या सोसाइटी को नहीं मानता, उसमें फिर धीरे धीरे चीज़ों का डेवलपमेंट देखने को मिलता है और फिर वो मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है। वो सारी चीज़ें जो है कहाँ पे आते हैं, वो सोशल डेवलपमेंट में इंसान के आते हैं। तो एडोलसेंस के अंदर किस प्रकार से एक बच्चे का सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो भी आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें और नेक्स्ट कौन सा, भाषात्मक। लेकिन भाषात्मक विकास दोस्तों बच्चे का जो है स्टार्टिंग पीरियड में, या हम बात करें जो इन्फेंसी एज है, उसी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो है एडोलसेंस का जो है एक भाग नहीं है, लेकिन फिर भी ये है एक आयाम माना जाता है। लेकिन भाषा का विकास जिसका डेवलपमेंट करने का जो श्रेय जाता है नाम चॉम्स्की ना, तो उसका जो है श्रेय दिया जाता है, लेकिन ये अपने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये अपन नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज अपन जो है वो मोस्टली शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडोलसेंस होता क्या है। तो एडोलसेंस की बात मोस्टली हम करते हैं 12 से 18 वर्ष के बच्चे की, यानी कि वो है बच्चा जो स्कूलिंग पार कर गया है और थोड़ा सा, यानी कि हम बात करें स्कूलिंग पार नहीं करी, जैसे हम बात करें उसकी 11 ट्वेल्थ का बच्चा जो है वो मोस्टली इसमें शामिल किया जाता है। तो एडोलसेंस शब्द जो है वो लेटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है टू प्रोसीड टूवर्ड मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर जो है कोई बालक बढ़ता है, तो उसी को अपन क्या कंसिडर कर देते हैं, किशोर अवस्था में कंसिडर कर लेते हैं, उसी को अपन एडोलसेंस में शामिल करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, उसमें मेच्योरिटी देखने को मिलती है, और फिर वो उस किस में जाता है, वो एडोलसेंस में शामिल हो जाता है। तो ग्रोथ और मेच्योरिटी जो है धीरे धीरे किशोरावस्था में जो है वो देखने को मिलती है। स्टैनली हॉल ने जो है एक पुस्तक लिखी थी 1904 में, ठीक है दोस्तों, एडोलसेंस। तो उसी के आधार पर एडोलसेंस का जो है मनोविज्ञान में इसको शामिल किया गया, और फिर उसमें उन्होंने बताया कि किशोर में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो अचानक होते हैं। इसी के आधार पे स्टैनली हॉल को फादर ऑफ एडोलसेंस भी माना जाता है, ये आपको ध्यान करना है। स्टैनली हॉल जो है फादर माने जाते हैं एडोलसेंस के। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी उन्होंने प्रस्तुत किया कि बच्चे के अंदर जो है, यानी कि इन्फेंसी, ठीक है, और फिर उसके बाद में चाइल्डहुड आता है, उसके बाद में बच्चे में जो तीव्र गति से जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये एडोलसेंस जो है नामक पुस्तक लिखी थी। इसका जो सिद्धांत है वो एडोलसेंस के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, और स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का फादर या जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें हम कि बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य का जो काल होता है, यहाँ पे जो है इन्फेंसी या चाइल्डहुड मान लेते हैं, और फिर यहाँ पे जो है वो थोड़ा सी युवावस्था, और इनके जो बीच का काल है उसको अपन किशोरावस्था या एडोलसेंस मान लेते हैं। और इस एज में जो है मोस्टली बालक कहाँ आ जाता है, थोड़े से उसमें जो है मेच्योरिटी देखने को मिलती है, शारीरिक अंगों के अंदर भी, संवेगात्मक, नैतिक, या फिर उसके इमोशन जो है वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो हर चीज़ में जो है उसकी मेच्योरिटी झलकती है, यानी हम बात करें एज 8 to 19 के बीच में जो है वो अपन कंसिडर करते हैं किस में, एडोलसेंस के अंदर। इसमें जो है वेरियस टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसको अपन दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है प्री एडोलसेंस यानी कि एज ऑफ ब्यूटी, और सेकेंड इज अर्ली ऑफ लेटर एडोलसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व किशोरावस्था, जिसको अपन कंसिडर करते हैं 11 से 14 वर्ष के बालकों को, यानी कि हम बात करें इसको बोलते हैं प्री एडोलसेंस। पूर्व किशोरावस्था में बालक पूर्ण थोड़ा सा जो है किशोर नहीं बनता है, इसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी स्टार्ट आना स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में माता पिता व अध्यापक बालक की छोटी छोटी बातों पर डांटते रोकते हैं, उसे बालक सदैव जो है उलझन की स्थिति में, यानी कि कन्फ्यूज जो है कन्फ्यूज बना रहता है। तो दोस्तों इसको जो है ये आपको ध्यान करना है कि पूर्व किशोरावस्था को अपन एज ऑफ ब्यूटी, वे संधि का काल, टीन एज, या उसको एज ऑफ प्यूबर्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान करना है। आपके प्रश्न पत्र में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एज ऑफ ब्यूटी किससे संबंधित है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है वे संधि जो है किससे संबंधित है, टीन एज क्या है, एज ऑफ प्यूबर्टी कौन सी जो है एज मानी जाती है। तो ये जो है चार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट जो है आपके क्लियर होते हैं।
एज की बात करें तो इसमें दोस्तों मोस्टली जो है 11 से 14 वर्ष शामिल की जाती है। यह अवस्था लड़कियों में जो है 11 से 13 वर्ष के बीच में मानी जाती है, वहीं पे लड़कों में जो है 12 से 14 वर्ष के बीच में जो है इनको शामिल किया जाता है। वहीं पे इसमें जो है एकदम से सडन चेंज देखने को मिलते हैं, इसे यानी कि द्रुत या तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस जो है एक एडोलसेंट जो है फेस करता है, यानी कि किशोर जो बालक होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है और उसमें फंसा रहता है। तो तभी इसको क्या कहा जाता है, तूफान और उलझन की अवस्था कहा गया है। तो ये आपको ध्यान करना है कि तूफान और उलझन की कौन सी अवस्था है। तो दोस्तों ये है एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि 11 टू 14 एज का जो बालक होता है वो ही क्या होता है एडोलसेंस या प्री जो है एडोलसेंस एज इसको माना जाता है। वहीं पे बात करें हम 13 से 14 या 15 वर्ष के मध्य की अवस्था होने के कारण भी इसको जो है एडोलसेंस कहा जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जो है इस एज में तीव्र देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान करना है। सेकंड एज 11 से 13 वर्ष की लड़कियों की लंबाई, आवाज़ कोमल सुरीली, बगल गुप्तांगों पर बाल, मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास व्यवस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों इसमें जो है शारीरिक विकास दोस्तों देखने को मिलता है लड़कियों में, एक तो लंबाई बढ़ जाती है, उनकी आवाज़ जो है कोमल हो जाती है और गुप्त जो अंग होते हैं वहाँ पे बाल आ जाते हैं, वहीं पे जो उनके पीरियड्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। थर्ड है 12 से 14 वर्ष में लड़कों का विकास जो है तीव्र गति से देखने को मिलता है, यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो लड़कों में इनमें डेवलपमेंट तीव्र गति से देखने को मिलता है, यानी कि इसमें इस ऐसी एज होती है इसमें जो चेंजेस होते हैं वो सडन होते हैं। बालक का बिगड़ना और सुधरना, यानी कि जहाँ पर यदि उसको जैसी संगत मिलेगी वैसा ही बालक जो है डेवलप करेगा। तो ये एज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बच्चे का ध्यान रखना होता है, यानी कि उसकी जो संगत होती है वहाँ से वो बिगाड़ भी सकती है और वहाँ से सुधार भी किया जा सकता है। तो एडोलसेंस ऑफ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्ट्रॉम एज, यानी कि स्टेनली होल इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये जो अपने आप में एक तो स्ट्रेसफुल जो है एज मानी जाती है और इसमें जो है स्ट्रॉम एज यानी कि तूफान की जो है एज उन्होंने माना, स्टेनली होल ने जो है एडोलसेंस के बारे में ये कहा, ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे किशोरावस्था विकास की क्रांतिक क्रिटिकल अवस्था मानी जाती है, यानी कि सबसे जो है विवादास्पद जो एज है वो कौन सी है, किशोरावस्था, क्योंकि इसमें जो है बच्चा संगत के हिसाब से आपराधिक बन सकता है, वो खराब जो है रस्तों पर चल सकता है, तो उसका ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो क्रांतिक अवस्था इसको माना जाता है। किशोरावस्था उच्च अक्षांशों की अवस्था होता है, यानी कि हम बात करें दोस्तों एडोलसेंस बच्चा जो होता है इस एज में तो वो काफ़ी कल्पनाएं करता है, मैं बड़ा होकर ऐसे बनूंगा, मैं ऐसे करूंगा, उसके साथ वो करूंगा, ठीक है, तो उसकी जो वेरियस टाइप की जो कल्पना है, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जो है आकांक्षाएँ वो करता है कि मेरे को भविष्य में ये करना है, मेरे को ये करना है, वहाँ पर जाना है, वो करना है, तो वहाँ पर वो कल्पना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसकी जो आकांक्षाएँ होती हैं या हम बात करें ड्रीम्स होते हैं, एम्स होते हैं, तो वो इस एज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था पर सबसे पहले शोध करने का कार्य जो है हॉल महोदय ने किया था, ये आपको ध्यान करना है कि जो होल महोदय हैं उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर एडोलसेंस के ऊपर काम किया था। मानव जीवन की इसको अद्वितीय अवस्था यानी कि अनोखी जो है अनोखा काल इसको बताया है, ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद में जो है सेकंड एज कौन सी आती है, यानी कि अर्ली लेटर एडोलसेंस इसको बोला जाता है, 16 से 18 या फिर 19 एज के बालकों को इसमें शामिल करते हैं। तो दोस्तों अर्ली या हम बात करें लेटर एडोलसेंस एज जो है वो मोस्टली होती क्या है, तो इसका जो जन्म काल होता है न्यू बर्थ पीरियड स्टेनली होल ने इसको कहा है, यानी कि जो 16 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसको अपन किस में कंसिडर करते हैं, उत्तर बाल्य उत्तर किशोरावस्था में इसमें शामिल करते हैं। तो एक तो इसको परिवर्तन का काल यानी कि पीरियड ऑफ चेंज, यानी कि सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। शारीरिक परिवर्तनों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखो मेल में जो है यहाँ पे एक तो हम बात करें कि उसका जो घेटवा हम बोलते हैं ना कि गले के नीचे जो घेटवा हो जाता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है एडोलसेंस के अंदर। फिर उसके जो है फेसियल यानी कि चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, जो कंधे होते हैं थोड़े चौड़े हो जाते हैं और चेस्ट के ऊपर जो है बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर बात करें हम गुप्त अंगों के ऊपर भी बाल आ जाते हैं, वहीं पर उनका जो ऑर्गन होता है जिसको अपन पिनिस बोलते हैं, तो पिनिस के ऊपर भी थोड़ा सा जो है दोस्तों वो मेच्योर हो जाता है, बॉडी मोर मस्क्यूलर देखने को मिलती है, यानी कि थोड़ा शारीरिक विकास जो है मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर
एक तो ब्रेस्ट जो है मेच्योर देखने को मिलती है, वहीं पे हिप जो है थोड़े से ब्रॉडर हो जाते हैं, वहीं पे गुप्त अंग जो होते हैं वहाँ पे भी उनके हेयर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है कि मेल और फीमेल में एडोलसेंस के अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं पे इस एज में जो है यानी कि प्री एज ऑफ एडोलसेंस, उसमें महिलाओं की आवाज़ भी बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान करना है। फिर अपन बात करें कि जो सेकेंड एज है जिसको अपन बोल रहे हैं लेटर एडोलसेंस, तो जीवन का सबसे जो है कठिन काल माना जाता है, ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों इसको जो है पीरियड ऑफ स्ट्रेस, एक तो इसको क्या माना जाता है, स्ट्रेस का काल, यानी कि बच्चा जो होता है हमेशा टेंशन में रहता है, वो करना, उसको घुमाना, उसके साथ जाना, कहाँ जाना, क्या काम करना, तो वो हमेशा क्या रहता है, स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रॉम या तूफान से भरा, कि दोस्तों से लड़ाई कर ली या फिर उसको किसी को घुमाने ले गया, किसी ज़बरदस्ती आर्ग्यू कर रहा है, फंस गया, ठीक है, तो वो क्रांति के मूड में हमेशा देखने को मिलता है। स्ट्रगल एंड टेंशन का एज इसको, यानी कि पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रॉम, स्ट्रगल एंड टेंशन का इसको काल जो है स्टेनली होल ने कहा। तो ये जो है सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तनों का काल माना जाता है, यानी कि हाईएस्ट चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं कहां पे, एडोलसेंस के अंदर। जीवन का सबसे कठिन काल, द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, ये किलपैट्रिक जो है उन्होंने एडोलसेंस के बारे में कहा। तो ये आपको ध्यान करना है दोस्तों, यानी कि किशोरावस्था को दबाव, तूफान और संघर्ष का काल किसने कहा, तो स्टेनली होल ने। तनाव का काल किसने कहा, स्टेनली होल ने। उन्हीं ने एक पुस्तक भी लिखी एडोलसेंस के ऊपर, ये भी आपको ध्यान करना है। वहीं पे बात करें सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड किसने कहा, किलपैट्रिक ने। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। वहीं पर सबसे ज़्यादा दोस्तों परिवर्ती अवस्था यानी कि ट्रांजिशंस जो पीरियड होते हैं वो इसमें, यानी कि इसमें जो है परिवर्तन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। विशिष्टता की खोज का समय है, यानी कि टाइम ऑफ सर्च फॉर द आइडेंटिटी, यानी कि बच्चा जो है अपनी पहचान बनाने में लग जाता है कि समाज में मेरे को भी पहचाने, लोग मेरे से भी बात करें और मेरा भी सम्मान करें। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चा जो है खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने लग जाता है, ये आपको ध्यान करना है। वहीं पर हमने पहले ही बात कर ली कि इसमें जो है चेंजेस कैसे होते हैं, सडन होते हैं, आकस्मिक या त्वरित विकास की आयु इसको माना जाता है, यानी कि इसमें एकदम से जो है आपने देखा होगा बाल्यावस्था का जो बालक होता है उसमें जो है खेलने खाने की उम्र होती है और वो पढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में इंटर करता है तो उसकी आवाज़ जो है भारी हो जाती है, दाढ़ी के ऊपर बाल आ जाते हैं, चेस्ट के ऊपर बाल आ जाते हैं, गुप्त अंग जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसमें जो है एकदम से परिवर्तन आ जाते हैं और वो इस परिवर्तन को समझ भी नहीं पाता। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बच्चा दो रास्तों के ऊपर चलता है, एक अच्छा और एक बुरा, तो जिस रास्ते के ऊपर चलेगा वो उसमें महारत हासिल कर लेता है, तो इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन ऑफ एज कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है। एक होता है स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु, यानी कि इसमें जो है वो अपने विपरीत जो लिंग होता है यानी कि लड़कियों के लिए, लड़का लड़कियों के लिए काम करता है या उनको आकर्षित करता है, वहीं पे जो लड़की होती है वो लड़कों को आकर्षित करने की कोशिश करती है। तो ये अपने आप में एक एडोलसेंस की क्या है, डेफिनेशन है, विशेषताएँ हैं देखने को मिलती है। वहीं पर इसमें जो है एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन का अभाव देखने को मिलता है, यानी कि वो किसी चीज़ को जो है शांति प्रिय, मन को शांत करके या दिमाग को ठंडा करके नहीं सोच पाता और चीज़ों के ऊपर तुरंत रिएक्शन देने लग जाता है। तो एडोलसेंस की कुछ कमियां भी हैं, यानी कि समायोजन का उसमें अभाव देखने को मिलता है, यानी कि तुरंत जो है उसमें एक्शन करने का, क्रांति के मूड में वो हमेशा रहता है, लड़ाई झगड़ा करना। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे बात करें उसमें देशभक्ति की भावना सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, एडोलसेंस के अंदर सबसे ज़्यादा आतंकवादी बनते हैं और एडोलसेंस के अंदर ही सबसे ज़्यादा फौजी देखने को मिलते हैं। तो ये एज जो होती है, आपने देखा होगा दोस्तों कि आर्मी के अंदर जो एज होती है वो मोस्टली 18 से 21 साल के बीच में ही जो बच्चों को शामिल किया जाता है। वहीं पे मोस्टली जो आतंकवादी भी जो होते हैं वो भी रिक्रूट जो है बच्चों को करते हैं, वो 18 से 21 वर्ष के बालकों को ही करते हैं। तो देशभक्ति की दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा ललक देखने को मिलती है, यानी कि एडोलसेंस जो है वो सबसे यानी कि चेंजेज फेस करता है। यहाँ पर संवेग अस्थिर होते हैं, यानी कि वो जो बच्चे के इमोशंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि किसी लड़की ने बोल दिया तो उसके साथ कोई लड़के ने बोल दिया उसके साथ, तो यानी कि वो माता पिता की केयर करे, खुद की केयर करे, दोस्तों के साथ रहे, लड़की की परवाह करे, तो वो हमेशा उसके जो इमोशंस हैं वो अनस्टेबल हैं, तो वो हमेशा चिंतित रहता है और उसमें वेरियस टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ हीरोइक वर्शिप, यानी कि वो अपने आप में एक ऐसे
अपने आप खुद खुद के लिए एक नेतृत्व यानी कि एक ऐसा नेता की कल्पना करता है जिससे वो उसकी पूजा करे और उसके अकॉर्डिंग चले। जैसे हम बात करें हैं जैसे सलमान खान की, वो ऐसे बोलेगा कि ये ही मेरा भगवान है, मैं इसके अकॉर्डिंग काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे साउथ में हम बात करें, मैंने दो तीन पिक्चर भी ली थी यहाँ पर, आप देख सकते हो। जैसे देखो दोस्तों, जैसे हम बात करें सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट इज़ माई रिलीजन, तेंदुलकर इज़ माई गॉड, तो ये अपने आप में वीर जो है पूजा की अवस्था मानी जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिकेट इज़ आवर रिलीजन, सचिन इज़ द आवर गॉड, माई मॉर्निंग प्लेयर, डियर गॉड प्लीज़ स्कोर योर 100 सेंचुरी। तो ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बारे में जो एडोलसेंस हैं, और इनमें आप मोस्टली जो बच्चे देखोगे वो कौन सी एज के हैं, एडोलसेंस के बच्चे देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है वीर पूजा देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें जैसे साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत, यहाँ पर भी उनकी वर्सी भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये एक ऐसी एज है जहाँ पर वो अपने आप में एक ऐसा हीरो चुनता है जिसके अकॉर्डिंग वो चलना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी विशेषताएं हैं, ये एडोलसेंस की जो है वो विशेषता देखने को मिलती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ हीरोइक वर्शिप, यानी कि हीरो बना एक चुनता है, उसके अकॉर्डिंग खुद भी जो है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहता है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होता है, यानी कि वो सेल्फ डिपेंड बनना चाहता है, यानी वो चाहता है कि मेरे को जो है वो मैं खुद खुद का काम खुद करूँ और मेरे से जो है किसी को कोई मतलब नहीं रहे। चहुमुखी विकास, यानी कि उसमें जो होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी कि शरीर के अंदर भी, मानसिक यानी कि उसका दिमाग भी अच्छे से काम करें करता है, और सामाजिक यानी कि समाज के अंदर भी घुलना मिलना चालू कर देता है, और उसके जो इमोशंस होते हैं, तो इस एडोलसेंस के अंदर बच्चे का चहुमुखी विकास देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान करना है। वेसा चुनाव की चिंता जो है इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि जो यानी कि उसकी स्कूल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और वो सोचता है अब मैं किस प्रोफेशन में जाऊँ, यानी कि किस व्यवसाय में जो है वो मैं काम करूँ, तो ये अपने आप में उसकी जो है टेंशन देखने को मिलती है इस एज में। कल्पना का बाहुल्य, दिव्या सपन की प्रवृत्ति, या हम बात करें वो दिन में ही सपने लेने लग जाता है, या हम बात करें यानी कि वो दिमाग में सारे दिन कल्पना करने लग जाता है मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो दिमाग में वेरियस टाइप के जो है ख्याल उसके आने लग जाते हैं। कल्पना करता है सारे दिन बैठा बैठा जो है वो उसके आइडिए चलते रहते हैं, ये आपको ध्यान करना है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, या हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसको क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती ना उसके बारे में वो चिंतन करता है। एक होता है मूर्त चिंतन और एक होता है अमूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन जो चीज़ सामने है उसके बारे में चिंतन करना, और जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में चिंतन करना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या बात करें अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो इस एज में एडोलसेंस के अंदर अमूर्त चिंतन की जो है अवस्था सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अटपटी व उलझन की अवस्था, सारे दिन टेंशन में रहता है, लड़की को घुमाना, दोस्तों के साथ घूमना, वो खिला दें, वो पार दें, वो उखाड़ दें, तो सारे दिन जो है ना वो टेंशन में रहता है। एज ऑफ प्यूबर्टी, या हम बात करें उसमें जो है जैसे लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अपने आप में है प्यूबर्टी की एज देखने को मिलती है। दल भक्ति की अवस्था, यानी कि अपने आप में वो गैंग में रहता है, वहीं पर नेताओं के लिए सारे दिन नारे लगाता रहता है, यानी कि खुद का भविष्य के बारे में उसको वो जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सारे दिन दलों के, या हम बात करें ग्रुप में रहना और उनकी जो है भक्ति करना, उसकी अवस्था यानी कि एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था, यानी कि सबसे ज़्यादा सडन चेंज या तीव्र विकास जो है इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। शारीरिक देख लो, मानसिक विकास देख लो, या फिर संवेगात्मक यानी कि दिमाग जो है किशोर अवस्था में बालक का सबसे ज़्यादा काम करता है। सबसे ज़्यादा जो है उसके अंग कहाँ बढ़ते हैं किशोर अवस्था में। सबसे ज़्यादा इमोशन कब अनस्टेबल रहते हैं किशोर अवस्था में। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्यार जो प्यार की कविता जो सुनाता है ना वो, तो किस एज में सुनाता है, वो सुनाता है एडोलसेंस में। सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप स्टेटस जो है वो इस एज में लगते हैं। उथल पुथल की अवस्था, यानी कि इसमें जो है वो सोचता है कि जैसे प्रोफेशन के बारे में चिंता रहती है, ग्रुप में रहें, लड़कियों के लिए मरना, प्यार प्यार व्यार, सब ये चीज़ें जो हैं कहाँ पे आती हैं एडोलसेंस में, तो ये अपने आप में उथल पुथल की अवस्था मानी जाती है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, यानी कि सेक्सुअल टेंडेंसी जो है वो सर्वाधिक इस एज में देखने को मिलती है, यानी कि उसकी जो हॉर्मोन्स है ना, हार्मोन्स सबसे ज़्यादा क्या करते हैं उत्तेजित हो जाते हैं, और उनमें विषम जो लैंगिक यानी कि लड़कियों के प्रति, यदि लड़का है तो लड़कियों के प्रति, और लड़की है तो लड़कों के प्रति जो है उनमें आकर्षण हो जाता है, और उनकी जो एक ग्रंथि हेटरोसेक्सुअल अट्रैक्शन वो जो है वो सर्वाधिक काम करने लग जाती है। बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति जो है अट्रैक्शन जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है।
तो सेक्सुअल जो है प्रवृत्ति इस एज में, यानी हम बात करें किशोरावस्था में बढ़ जाती है। वहीं पे तार्किक चिंतन, इससे पहले बात कर ली, स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन की अवस्था इसको माना जाता है। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था माना जाता है, ये आपको ध्यान करना है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, यानी कि दादा की बात जो है वो डिनाई करेगा, वो किशोरावस्था जो है वो बाप को भी गाली सुनाएगा और दादा को भी कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, और उनके जो विचार होते हैं वो उससे प्रभावित भी नहीं होता कि तुम्हें कुछ नहीं पता, सब कुछ मेरे को ही पता है। तो वो जो है पीढ़ियों में अंतर, बाप की भी नहीं मानेगा और दादा की नहीं मानेगा, तो उसमें जो है विचारों में मतभेद देखने को मिलते हैं। वो अपने बाप को जो है बाप की आलोचना ही करेगा, दादा की आलोचना करेगा, तो वो अपने आप में उसके जो विचार हैं वो उनसे नहीं मिलते। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है एडोलसेंस के अंदर। समाज सेवा की भावना, मैं वो कर दूँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, मैं उसमें पार्टी में शामिल हो जाऊँगा, मैं वैसे कर लूँगा, तो समाज सेवा जो है उसमें कि मैं परिवार के प्रति ज़्यादा खुद सोचता नहीं है, खुद के बारे में नहीं सोचता। सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति देखने को मिलती है समाज सेवा की भावना। इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है कि मैं कुछ समाज के लिए करके जाऊँ। ये कहाँ पर देखने को मिलती है, ये एडोलसेंस में प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब कुछ दोस्तों डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, जो वेरियस जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एडोलसेंस के बारे में परिभाषाएं दी हैं। जैसे हम बात करें कुहलन ने क्या कहा कि किशोरावस्था अपने आप में बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की क्या है काल, इसको माना जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है दोस्तों, इनमें जो है मेन इंपॉर्टेंट दो तीन हैं, कुल्हन की कोई इंपॉर्टेंट खास है नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं के अनुकूलन का समय है। तो एक तो ये आपको ध्यान कर लेनी है कि महान आदर्श यहाँ पे जो है बच्चे के जो विचार हैं वो कुछ चेंजेस होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट जो है थिंकिंग यहाँ पे करता है, और वो अनुकूलन का उसका समय माना जाता है। ये आपको ध्यान करना, जीन पियाजे ने ऐसा कहा। स्ट्रेंथ की कोई खास नहीं है, 15 वर्ष तक रुचियाँ बदलती रहती हैं, उसमें जो है उसके जो इंटरेस्ट होते हैं उसके बाद में वो इस तरह हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान करना, स्ट्रेंथ की कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये आपको कोई ध्यान नहीं। कॉल सेनिंग की इंपॉर्टेंट है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, इसलिए उनमें स्वतंत्र विद्रोह की भावना होती है। यानी कि कोई बुजुर्ग आदमी उसको प्रेम से समझाता ना कि बेटा ऐसे मत कर, ऐसे कर ले, इससे ये फायदा होगा, तो वो बोलेगा तू तो ठरकी है, तेरे को पता ही नहीं है, तू बुढ़ा मरने की कगार पे है, तेरे को क्या पता। तो वो जो है वो हमेशा विद्रोह की प्रवृत्ति रखता है। तो दोस्तों इसीलिए जो है एडोलसेंस की जो एक एज होती है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट एज मानी जाती है। आतंकवादी मान लो, फौजी मान लो, या समाज में जितने भी विकार उत्पन्न आपने देखे होंगे, असामाजिक तत्व है, वो देखने को मिलते हैं एडोलसेंस के बालक। तो दोस्तों ये सबसे जो है विद्रोह की भावना वाले बालक होते हैं, सारे के सारे भगत सिंह बनने की कोशिश करते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं और वो बुढ़ों की बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, वो क्या मानते हैं चल बे बुढ़े साइड हो, तो उनकी जो है प्रवृत्ति सेम ऐसी देखने को मिलती है। स्टैनली हॉल के अनुसार सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैनली हॉल जो है इनके फादर भी माने जाते हैं, और किशोरावस्था के बारे में उन्होंने कहा कि एक तो अपने आप में संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था, उन्होंने इसके बारे में कहा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को जो है फादर ऑफ एडोलसेंस माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें अपन जे एस रोस के अनुसार, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। जैसे हम बात करें जे एस रोस के अनुसार, उन्होंने क्या कहा कि इसको आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं। तो ये आपको ध्यान करना कि एडोलसेंस जो है किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान करनी है। ये अपराध प्रवृत्तियों के विकास के नाजुक समय है, यानी कि इसमें जो है बच्चे काफ़ी अपराध कर सकते हैं, और आपराधिक जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किलपैट्रिक ने क्या कहा कि जीवन का सबसे कठिन काल है, ये आपको ध्यान करना। किलपैट्रिक ने दो कही, लेकिन इसमें जो है जीवन का सबसे कठिन काल इसमें बताया, यानी कि इसमें जो है शारीरिक और जो मनोवैज्ञानिक जो है उनमें चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल इन्होंने कहा। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह आपको ध्यान करना है। जर्सिल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ठीक है दोस्तों, तो यह आपको ध्यान करना है।
कॉल एंड ब्रूस के अनुसार कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, तो ये आपको ध्यान करना है। जोन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं हेडिक हेडो कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। हेडो कमेटी कहती है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। ये एक बार दोस्तों पूछा भी गया है, इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय पहले उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति व धारा के साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि दोस्तों एडोलसेंस में जॉब नहीं मिली ना तो वो बड़ा ही उत्पाती हो जाता है। इसीलिए जो है आर्मी के अंदर या फिर जो मोस्टली जो है शरारती तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो सुनते हैं किनको, किशोरावस्था के बालकों को सबसे ज़्यादा उत्पात मचाने के लिए। तो यही जो है हेडो कमेटी कहती है कि सबसे ज़्यादा जो है इस एज में ज्वार उठते हैं और समय रहते यदि उनका उपयोग नहीं किया तो वो काफ़ी जो है खराब साबित होता है। रोजर क्या कहते हैं, किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के अभिवर्तियों व विश्वासों की प्राप्ति कर सकते हैं। होल कहते हैं यह कामुकता की जागरण की अवस्था है, यानी कि सेक्सुअल जो टेंडेंसी है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, एडोलसेंस में देखने को मिलती है। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, इस अवस्था में बालक में देशभक्ति की भावना जोर शोर से रहती है, यानी कि वो सारे दिन स्टेटस लगाता है, भगत सिंह की जयंती आ गई, वो उसकी जयंती आ गई, फलाना दिखड़ा, क्योंकि संवेग जल्दी उत्पन्न होते हैं और उसके इमोशन जो हैं लड़की के लिए मर जाऊं मिट जाऊं शायरी लिखेगा फलाना दिखड़े करेगा तथा स्वतः ही खत्म हो जाते हैं और वो तुरंत जो है शांत हो जाते हैं कि कुछ ही लेनी देनी नहीं है और ये समय खराब है। संवेग स्तर इमोशन जो है अनस्टेबल देखने को मिलते हैं, ये बात जो है अपन ने पहले ही कर ली। इस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति विद्वान को अपना आदर्श मानता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया सलमान खान को मान लेगा, हीरो रजनीकांत को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली, तो ये सारे जो है उसके हीरो बन जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अनुकरण करने की सोचता है कि मैं भी इन जैसा ही बनूंगा, जैसे ही अपने आप को डालने की कोशिश करता है। वीर पूजा का भाव, सेंस ऑफ हीरोइक वर्शिप जो है वो करता है, भगत सिंह की फोटो लगाएगा, उस जैसे ही जो है वो सारे दिन क्रांति के मूड में वो देखने को मिलता है, आपको ध्यान करना है। कुछ बालक विशिष्ट दिखने के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल हो, ये तो भाई साहब सबसे ज़्यादा आज की एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वेशभूषा का चयन करते हैं। जैसे मैं एक लड़की देखता हूँ बॉलीवुड में, वो सारे दिन उल्टे सीधे जो है कपड़े पहनती रहती हैं, कुछ है ऐसी, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो जो है सारे दिन, अब पता नहीं उसकी एज एडोलसेंस ही चल रही है क्या, तो वो सारे दिन ऐसे ऐसे उटपटांग जो कपड़े पहनती हैं, बालों में फलों की आकृति जैसे छपरी होती है ना छपरी, तो वो छपरी जो है ये एडोलसेंस ही होते हैं। अलग अलग कलर करना, पशु पक्षियों की आकृति में बाल कटवाना, विशिष्ट स्पेसिक दिखने का भाव उनमें विद्यमान रहता है। जैसे एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ छपरियों की, ये देखो छपरी होते हैं ना छपरी, एक नंबर के बाल कटवा लेंगे आधे अधूरे, कोई टाइम पे मैं भी था, तो ये जो है बालों को देखो वेरियस टाइप के, ये देखो चूहों की आकृति के, तो ये जो है टेंडेंसी जो है एडोलसेंस में देखने को मिलती है और वो दुनिया से खुद को अलग साबित, भाई साहब मैं दुनिया से अलग हूँ, है ना, तो पता नहीं वो खराब लग रहा है, दूसरे उसको जो हंसी उड़ा रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं आती उस टाइम पे, सेंस ऑफ हीरोइक जो है वर्शिप देखने को मिलती है। कुछ बालक विशेष दिखने के लिए अलग अलग, जैसे बाले मैंने बता दी कि वो छपरी जो है वो बनते रहते हैं इस एज में, वहीं पर वो जाफरी जावेद है कैसे कुछ लड़की का नाम है, वो भी सारे दिन ऐसी हरकतें करती है। इस आयु में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे किसी लड़की को पसंद करना, ओहो तेरे लिए मर जाऊं तेरे लिए वो कर जाऊं, किसी लड़की को पसंद करना था उसे जीवन साथी के रूप में चुनने की सोचना कि भाई तेरे साथ ही मरूंगा, तू ही जिंदगी है, तू ही वो है, माता पिता कुछ नहीं है, दोस्तों को भूल जाएगा, लड़की के चक्कर में सारे दिन सेटिंग के चक्कर में पड़ा रहता है, उसके साथ घूमना फिरना था उसके लिए बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन के समान ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एज जो है काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिलती है और नहीं मिली तो फिर स्टेटस सैड स्टेटस लगाएगा, दारू पिएगा और अब तेरा भाई करेगा, तो वो प्रवृत्ति देखने को मिलती है एडोलसेंस में। इस आयु में बालक को व्यवसाय शादी जीवन साथी आदि की चिंता होती है, इसलिए इस आयु को समस्याओं की आयु या उलझन की आयु, एज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान करना है। बच्चा सारे दिन टेंशन में रहता है, कहने का मीन्स ये है, अब वो सारे दिन प्रॉब्लम ये रहती है कि सेटिंग को घुमाए, परिवार की सुने, दोस्तों की सुने, पढ़ाई करे, क्या क्या करे, तो वो बेचारा सारे दिन टेंशन में रहता है और फिर वो बालों में करेगा, सिगरेट फूकेगा, दारू पिएगा, पत्ते खेलेगा, जुआ करेगा, ये सारी प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था अपन ने पढ़ा एडोलसेंस, एडोलसेंस की जो प्रिंसिपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो कैसा लगा आप बताना कमेंट बॉक्स में, यदि आप
आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते कर सकते हैं। वहीं पे यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना हुआ है दी अर्थ के नाम से, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। आप लोगों का यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।